हेलो दोस्तों, मेरा नाम निशांत है और मैं एक कॉर्पोरेट लायर हूँ। अभी मेरे एक फ्रेंड मेरे से मिलने आया है और उसका मिलने का पर्पज था कि वो एक न्यू बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है। तो न्यू बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उसने मेरे को अप्रोच किया और मेरे से पूछा कि मुझे इंडिविजुअल एज ए प्रोपराइटर फॉर्म रजिस्टर करनी चाहिए या फिर मुझे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी करनी चाहिए। तो एज ए स्टार्टअप मैंने उसको सजेस्ट किया कि आप सोल प्रोपराइटरशिप फॉर्म खोलो, बट उसने बोला कि उसमें नेम की सिक्योरिटी नहीं है। तो मैंने कहा नेम की सिक्योरिटी के लिए, नेम रिजर्वेशन के लिए आप ट्रेडमार्क अप्लाई करो और ट्रेडमार्क ही सुप्रीम अथॉरिटी है नेम के लिए, क्योंकि वो डिपार्टमेंट बनाने का पर्पज यही है कि आपके बिजनेस के मार्क को सिक्योर करना है ना, ट्रेडमार्क को। तो वो सजेस्ट किया, साथ में अगर वो प्राइवेट लिमिटेड वो जिद कर रहा था कि भाई प्राइवेट लिमिटेड की क्या बेनिफिट्स हैं, तो प्राइवेट लिमिटेड बेनिफिट्स तो होते हैं कि आपकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है, वेबसाइट पे अपना एमसी के पोर्टल पे आपका डाटा शो करता है, ऑथेंटिसिटी ज्यादा होती है, बट इनिशियल स्टेज पे खर्चे भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होते हैं। स्टार्टअप फेल होने का भी एक बहुत बड़ा रीजन ये होता है कि आप शुरू में खर्चों को कुछ टाइम तक बियर नहीं कर सकते, क्योंकि एक प्राइवेट लिमिटेड बनना तो आसान है पर साल में उसके जो कंप्लाइंसेज होते हैं उसमें अच्छा खासा पैसा लगता है, ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ता है और आरओसी की कंप्लाइंसेज होती हैं और एक बर्डन इनिशियल स्टेज पे हो जाता है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप प्रोपराइटरशिप फॉर्म ओपन करें शुरू में, नेम की सिक्योरिटी के लिए आप अपने ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा लें, क्योंकि अगर ट्रेडमार्क आपके पास होगा तो फ्यूचर में आप कभी भी उस नाम से आप प्राइवेट लिमिटेड भी बना सकते हैं, लिमिटेड भी कुछ भी कर सकते हैं उस नाम से, आप कोई भी पार्टनरशिप भी बना सकते हैं, एलएलपी भी बना सकते हैं, प्राइवेट लिमिटेड भी बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, क्योंकि नेम का ट्रेडमार्क एक बार आपके पास है तो आप ही को मिलेगा वो नेम। तो आप प्रोप्राइटरशिप और ट्रेडमार्क के साथ काम स्टार्ट करिए, एक बार आप एक रिस्पेक्टिव टोटल पे पहुंचते हैं फिर आप प्राइवेट लिमिटेड के लिए प्लान कर सकते हैं। जब तक के लिए शुरू में अपनी कॉस्ट को कम से कम रखने के लिए आप एक सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ओपन करें, साथ में ट्रेडमार्क करा लें। थैंक यू।